देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब कैसे पहाड़ चढ़ करके आ रहे हैं, और हीरो साहब और पूरी यूनिट टीम को अकेले नहीं छोड़ते हैं। आंधी हो, तूफान हो, पहाड़ हो, साथ में जाते हैं। देखिए बढ़िया, देखिए कैसे हीरो साहब आ रहे हैं और बाकी के लोग, और इधर यूनिट, और ये हम पूरी यूनिट पहले चढ़ चुके हैं। और एवरेस्ट की चोटी पे सबसे चढ़ने वाला संजू बाबा, उसके बाद है ये हीरोइन क्रक। मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर ये है किरण जी, इतनी मोटी ताजी होने के बावजूद भी सबको पछाड़ डाला। और देखिए कैसे हमारे पूरी यूनिट पहाड़ पे चढ़ चुकी है, और सबसे पीछे था सलमान। सलमान अभी झाड़ियों में फंसा था भैया। झाड़ू में फंसा था या झाड़ी में? झाड़ियों में फंसा था। अच्छा, झाड़ियों में फंस गया था। और इनका जो है कांटा फंस गया था। हाँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस पहाड़ों पे चढ़ना और उतरना। ऐसा है, एक डायरेक्टर हो या एक प्रोड्यूसर हो, अपने टीम को किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आंधी हो, तूफान हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, एक पूरी टीम होती है, और एक पूरे टीम के सपोर्ट से एक फिल्म बनता है। तो एक परिवार की तरह, तो परिवार को जैसे हम लोग अकेला नहीं छोड़ते, वैसे फिल्म की यूनिट को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मजा आया, इट वॉज अ थ्रिल एंजॉयमेंट, थैंक यू। चलिए प्रोड्यूसर साहब ने अपने अपनी बात को रखा, और ये हमारे संजय बाबा डायरेक्टर जो फिल्म के हैं, थोड़ा कुछ दो लाइन बोलेंगे। अब दो लाइन कहा बोलेगा भैया, हम तो आयल हली जब पर शूटिंग करे लगी। हाँ। अब हमारे जो मैनेजर है ना, जनरल मैनेजर मनीष सहनी, देखिए इन्हें है। अच्छा, ये तो पूरा पैंट शर्ट झाड़ का है भैया, और हमको देखिए पूरा किसान का रूप में बना के यहाँ डायरेक्शन देवे लगी। अब पहाड़वा पे चढ़ा दी तो हम के काम थे, सबसे पहले पहाड़ हम ही चढ़ गए। तो ये देख रहे थे कि मनीष सहनी जी के बारे में दो शब्द बोला जा रहा था, तो क्या बदले में डायरेक्टर साहब संजय भैया के बारे में कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। संजय भैया बारे बोलते तो क्या बोलेंगे? बारे बोलो जाता। देखिए कैसे सर वहाँ का भाग रहा है जनरल मैनेजर, और ये बड़े बड़े खड्डे, ये बड़े बड़े सुरंग देख रहे हैं, कैसा सुरंग है यहाँ पे, ये सुरंग, ऐसी ऐसी सुरंगें यहाँ पे पार करते हुए, ऐसी ऐसी सुरंगें हैं कि आदमी घुस जाए तो बाहर निकल कर नहीं आ सकता। और इतने ही खतरनाक जगहों पे ये फिल्म की शूटिंग चल रही है। चलिए आगे मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद।